क्वेश्चन है, मिराजेस आर ऑब्जर्व इन डेजर्ट्स, हमने किया था, मिराज क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट है, डाइवर इन अ स्विमिंग पूल वॉन्ट्स टू सिग्नल अ टोटल पर्सन लाइंग ऑन द एज ऑफ द पूल बाय फ्लैशिंग हिज वाटर प्रूफ फ्लैश लाइट, तो वो क्या करे? देखो, कोई पूल में, स्विमिंग पूल के पानी के नीचे है और किनारे पे उसका कोई दोस्त खड़ा है और वो चाहता है कि उसको पता लग जाए कि दोस्त को कि वो नीचे इशारा कर सकता है लेज़र लाइट से। अब लेज़र लाइट को वो सीधा फेंकेगा तो सही है, इशारा हो जाएगा, लाइट बाहर निकलेगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसको कैसे फेंकना है, वो सीधा फेंके इट्स ओके, पर ऐसा ना हो कि वो बहुत बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फेंके और पूल के अगर बहुत दूर फेंकेगा तो TIR हो जाएगा, लाइट बाहर निकलेगी नहीं। तो नहीं पता लगेगा उसको दोस्त को कि लाइट बाहर आ रही है और TIR हो गया कि बंदा नीचे है। तो उसको लाइट को ऐसे फेंकना है ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बने वो लेस देन क्रिटिकल बने, ताकि लाइट एटलीस्ट पूल से बाहर आ जाए। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ही हैज टू डायरेक्ट द बीम एट एन एंगल टू द वर्टिकल विच इज स्लाइटली लेस देन द क्रिटिकल, ताकि TIR ना हो, पता लगे TIR हो जाए, लाइट पूल में रह जाए, किसी को पता ही ना लगे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट थर्ड, इस क्वेश्चन में, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम इज गिवन, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालो। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, तो म्यू क्या होता है, 1/sin c, तुम्हें क्रिटिकल एंगल पता है तो तुम यहाँ से म्यू निकाल लेना। म्यू आ गया, म्यू क्या होता है, c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो 2 पता है, c पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, v आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? कैसे सॉल्व करना है इसे? देखो, क्रिटिकल एंगल से म्यू निकलेगा, म्यू से क्रिटिकल एंगल निकलेगा, बस एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है, हॉरिजॉन्टली नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे क्वेश्चन है, रियल और अपेरेंट डेप्थ हमने किया था। तो बर्ड इज पर्च्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द सरफेस, तो एक बर्ड बैठा है 6 मीटर ऊपर ऑफ द वाटर। द अपेरेंट हाइट इन मीटर ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश अंडर वाटर, तो इस क्वेश्चन को भी हम 2 मिनट बात करेंगे कि अगर हमने ये तो किया ऑब्जर्वर एयर में है तो क्वाइन कितना ऊपर नजर आता है, हमने ये नहीं किया कि अगर हम पानी में है तो हमें बर्ड कितने डिस्टेंस नजर आएगा, अभी करवाऊंगा, रुको 2 मिनट, पहले आप TIR पे फोकस कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, इस क्वेश्चन को कर ले। देखो, क्वेश्चन है कि अ क्यूब ऑफ साइड ए मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, तो एक क्यूब है, उसको हमने पानी में डुबो दिया और बाहर पानी है और अंदर ग्लास है। अब ग्लास जो है वो ज़्यादा डेंसर होता है पानी से, तो रे ऑफ लाइट आ रही है एट एंगल ऑफ थीटा। वो कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जस्ट टेक्स प्लेस एट पॉइंट पी, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम पी डाल देते हैं, तो TIR हो रहा है एट पॉइंट पी ऑन द फेस BC, वो कह रहा है TIR हो रहा है।
इसका मतलब लाइट एंटर तो कर जाएगी और यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगी। अब रिफ्रैक्शन में क्या है, लाइट थीटा पे एंटर कर रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, आर है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। फिर लाइट यहाँ पे हिट करती है, हो सकता है कि लाइट इधर आ जाए, हो सकता है इसके ऊपर भी आ जाए, लेकिन बाहर तो नहीं जाएगी, उसने बोला टी आई आर हो रहा है। तो मैं जस्ट टेक प्लेस है तो प्लीज़ मैं ये गलत बनाया, ऐसे मत लें, सीधा ही लें। सीधा लेने से एक फ़ायदा है कि अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या माना जाएगा, क्रिटिकल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे ही टी आई आर अलाउ स्टार्ट हो जाता है। तो जस्ट टेक प्लेस है तो मैंने एंगल क्या ले लिया, इक्वल टू क्रिटिकल ले लिया और लाइट बिल्कुल सरफेस के साथ ऐसे आ रही है। अब यहाँ पर ये एंगल आर है तो ये क्रिटिकल एंगल क्या बनेगा, ये आर है, ये 90 तो 90 माइनस आर है, ठीक है। अब मेरे को दो ही चीज़ें आती हैं, पहली क्या आता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है रिफ्रैक्शन, और दूसरा मुझे क्या आता है टी आई आर। तो पहले काम करते हैं, और हाँ ये ज़रूर देखें कि ऑप्शन कैसे के बने, ऑप्शन में क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। सो सबसे पहली चीज़ स्नेल्स लॉ लगाएं, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू वन इंटू साइन थीटा म्यू टू इंटू साइन आर, फर्स्ट स्टेप क्लियर, म्यू वन इंटू साइन थीटा म्यू टू इंटू साइन आर, क्योंकि चारों ऑप्शन में साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा एक साइन थीटा निकाल साइन ऑफ हाँ थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा स्नेल लॉ से मिलेगा। तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लो या साइन आर निकाल लो कोई फ़र्क नहीं है, तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर वन आ गई। दूसरी चीज़ जो मुझे आती है वो आती है स्नेल्स लॉ और टी आई आर का फॉर्मूला। टी आई आर का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू वन बाय साइन ऑफ क्रिटिकल। अब म्यू कैसे लेना है, ये डेंसर और ये रेयर सिखाया था, डेंसर इसमें टू है और रेयर इसमें वन है, इसमें टू डेंसर है और वन रेयर है, तो टू विद रिस्पेक्ट टू वन कर दें, वन अपॉन साइन ऑफ सी, और यहाँ पर क्रिटिकल क्या लिया जाएगा 90 माइनस आर, तो ये वैल्यू क्या आ गई 90 माइनस आर, वन अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस आर, साइन ऑफ 90 माइनस आर क्या होता है कॉस आर, इसको ब्रेक करके लिख लें, टू नीचे है तो टू ऊपर आएगा, वन ऊपर है तो वन नीचे आएगा, तो ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस आर आ गया। अब मेरे को पता है कि ये कॉस आर की वैल्यू है, ये साइन आर की वैल्यू आ गई, अब कॉस आर को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर आर, इस साइन आर की पूरी वैल्यू को उठाओ यहाँ पे पुट कर दो, इसे स्क्वेयरिंग कर लो, सॉल्व करके साइन थीटा निकाल लो, आंसर आएगा। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि कॉस आर को अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर आर, क्योंकि ऑप्शन में जब जब तुम्हें अंडर रूट दिखेगा ना तो पक्की बात है वो साइन आर को अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर आर या कॉस आर को अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर आर लगेगा। तो ये प्रैक्टिस की बात है, ये मैथ है, इसमें फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स में तो दो ही चीज़ें सीख रहे हैं, एक स्नेल्स लॉ और एक टी आई आर। अब वो कैसे अपनी ऑप्शन बनाता है ये प्रैक्टिस से पता लगता है, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि रूल क्या है इसमें, एक वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते रहो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्लीज, सिक्स्थ। क्वेश्चन आएगा, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वैक्यूम इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये स्टेटमेंट
सुनते ही कितने लोगों को ये पता लग रहा है कि ये टीआईआर की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, पहली स्टेटमेंट है। कैसे पता लगा? क्योंकि रेयरर टू डेंसर लाइट आ रही है, वैक्यूम रेयरर है और मीडियम डेंसर है, और टीआईआर होने की क्या कंडीशन है? डेंसर टू रेयरर। और अगर टीआईआर नहीं हो रही तो रिफ्रैक्शन तो हो ही रही है, स्नेल लॉ तो लगेगा लगेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फाउंड टू बी ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कह रहे हैं जी इसमें स्नेल लॉ लग रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ट्वाइस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये आई बताना है। तो कुछ नहीं आता इसमें, स्नेल लॉ तो पक्का ही आता है। तो म्यू का फॉर्मूला साइन आई बाय साइन आर, क्योंकि तुमने इसमें आई निकालना है तो तुम आर को एलिमिनेट करो, आर की जगह क्या लिखेंगे, आई बाई टू गिवन है क्वेश्चन में। मैथ्स का फॉर्मूला है, मैथ्स का क्या फॉर्मूला है, साइन आई को क्या लिख सकते हैं, टू साइन आई बाई टू कॉस आई बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आई बाई टू, साइन साइन कैंसल, म्यू की वैल्यू क्या आ गई, टू इंटू कॉस ऑफ आई बाई टू। यहाँ से आपको आई निकालना है तो टू नीचे आ गया तो क्या आ गया, म्यू बाई टू, कॉस ऑफ आई बाई टू इज इक्वल टू म्यू बाई टू, कॉस राइट साइड पे जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई होगा, ऑप्शन मार्क कर लेना, दिस इज योर ऑप्शन, आपको ऑप्शन में ये वैल्यू मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? चेक कर लो, यही आंसर है। मतलब एक बात पक्की है, ये टी आई आर की प्रॉब्लम नहीं है, ये स्नेल्स लॉ की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन है कि रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स अ रेयरर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो रे ऑफ लाइट डेंसर, ये रेयरर, रे ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स अ रेयरर मीडियम। तो डेंसर से रेयरर लाइट जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई, और ये नॉर्मल है। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, यहाँ पर सिर्फ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन भी हो रही है, लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया और इसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट भी हो गया, दो दो लाइट हैं। तो इसके अंदर इंसिडेंट लाइट तो यही है, इसका कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो गया और कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, और कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों कितने एंगल पर सेपरेट हुए, 90 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये रहा आर है, और रिफ्रैक्शन ये रहा आर डैश है, गिवन है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन गिवन है। आपको क्या बताना है, क्रिटिकल एंगल क्या है ये बताओ, ये क्वेश्चन है। अब इसमें रिफ्रैक्शन तो हो ही रही है, और अगर रिफ्रैक्शन हो रही है तो स्नेल्स लॉ लगाओ। क्या है स्नेल्स लॉ, म्यू, इसका मान लो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू इंटू साइन आई, वन वैक्यूम है, वन इंटू साइन ऑफ आर डैश, फर्स्ट स्टेप क्लियर है, म्यू इंटू साइन आई, वन इंटू साइन आर डैश। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन आई और साइन आर डैश की जो रेशियो है वो क्या आएगी, वन बाय म्यू। और दूसरी चीज़ हमें क्या आती है, टी आई आर, टी आई आर क्या कहते हैं, साइन सी क्या होता है, वन बाय म्यू। हमें निकालना क्या है, क्रिटिकल एंगल, तो सी निकालना है, साइन सी वन बाई म्यू, लेकिन वन बाई म्यू निकाल चुके हैं, इस वन बाई म्यू की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पुट करते हैं, ये क्वेश्चन आएगी साइन सी की, साइन सी आ गया। अब लेकिन मेरा आंसर साइन आई बाई साइन आर डैश की फॉर्म में नहीं है, तो मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ब्रैकेट में टैन दिख रहा है लेकिन मेरे पास साइन आई बाई साइन आर डैश है। अब मेरे को एक कंडीशन पता है,
मेरे इस फिगर में ये 90 है, तो आर और आर डैश का सम भी 90 है क्योंकि टोटल एंगल 180 है। तो आर प्लस आर डैश का सम कितना है? 90। लेकिन आर किसके इक्वल है? आई के इक्वल है। तो तुम यहाँ पर आर की जगह आई पुट कर सकते हो, तो आर डैश की वैल्यू क्या है? 90 माइनस आई। तो तुम यहाँ पर आर डैश की जगह क्या पुट कर रहे हो? 90 माइनस आई। साइन ऑफ 90 माइनस आई क्या है? कॉस आई। साइन आई पे कॉस आई क्या है? टेन आई। आपको सी निकालना है। साइन राइट साइड पे गया, साइन इनवर्स टेन आई। अगर ये ऑप्शन ना मिला तो आई और आर बराबर है, तो फिर टेन आई की जगह टेन आर तो होगा ही होगा, तो आई की जगह आर भी पुट कर सकते हो, आंसर है। मतलब कुछ नहीं करना, स्नेल्स लॉ और टी आई आर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो क्या उसके अंदर चीज़ों को कैसे घुमाएगा ये तुमने देखना है। बोलो। हाँ ये भी है, साइन इनवर्स टेन आई भी है, राइट। ये भी है, ये भी है, आर और आई इसमें बराबर है, ए और बी दोनों आंसर है, कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लगा के देख लो, इस पर लगा के देख लो। तुम्हें दो ही चीज़ें आती हैं, एक तुम्हें आता है स्नेल्स लॉ और एक आता है टी आई आर। देख लो, शायद हिट एंड ट्रायल से आंसर आए। देखो क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, और ये ग्लास स्लैब किसके अंदर पड़ा हुआ है? वाटर में। तुम एक चीज़ ज़रूर देख लेना, कौन डेंसर कौन रेयरर, नहीं तो फंस जाओगे। तो म्यू टू और म्यू वन में से कौन डेंसर? म्यू वन की म्यू टू? बहुत लोग ये फैसला कर लेते हैं, टू वन से बड़ा होता है तो म्यू टू डेंसर और म्यू वन रेयरर है। बिल्कुल भी मत करना, म्यू टू पे लिखा थोड़ा होगा कि वो डेंसर है। तो यहाँ पर साफ लिखा है म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू, तो ये डेंसर है और ये रेयरर है। तो पहला स्टेप क्लियर है। वो कह रहा है कि लाइट एंटर करती है किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा मैक्स पे, आई की जगह अल्फा मैक्स बोल दिया, तो लाइट एंटर करती है हर हालत में यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी होगी, टी आई आर तो होगा नहीं क्योंकि रेयरर टू डेंसर लाइट जा रही है। तो लाइट एंटर कर गई और यहाँ हिट करेगी। अब देखने वाली बात यह है, यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन होगी तो बाहर चली जाएगी, टी आई आर हुआ तो यहाँ पे या यहाँ पे आ सकती है, कुछ भी। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको अल्फा बताना है सच दैट द रे कमिंग आउट ओनली फ्रॉम अदर सरफेस सी डी। तो ये रही सी डी, तुम्हारी लाइट इसमें से ही क्रॉस होनी चाहिए। अब इसमें से लाइट कब क्रॉस होगी? जब यहाँ से रिफ्रैक्शन होगी। अगर तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगी फिर तो बाहर निकल गई, सीडी का तो काम ही नहीं रहा। कम से कम लाइट को ऐसे तो जाना ही चाहिए ताकि सीडी को हिट करती हुई जाए, या ऐसे जाए या ऐसे जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टी आई आर ही होना पड़ेगा। टी आई आर होगा तभी सीडी को क्रॉस करेगी, तो सीडी को क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो रिफ्रैक्शन मत कर देना कि लाइट आगे निकल गई, टी आई आर होगा और लाइट सीडी में से क्रॉस करेगी। तो एक बात पक्की है, डायग्राम वही पुराना बन गया, यहाँ पे आर बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा? क्रिटिकल एंगल बनेगा, ऐसे सेम डायग्राम बनेगा। आपको अल्फा मैक्स बताना है तो ये मैंने डायग्राम बना रखा है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो अल्फा मैक्स है,
बस मैं थोड़ी रिफ्लेक्शन नहीं कर पाया, या रिफ्लेक्शन शो करनी चाहिए, स्ट्रेट गलती से ड्रॉ कर गया तो लाइट बेंड हुई है। हाँ, पर मैंने ये सी सही किया, ये अल्फा मैक्स है और ये आर वन है, एंगल डिफरेंट है, रिफ्लेक्शन हुई। और यहाँ पे मेरे को शो करना चाहिए कि ये सी डी है और लाइट ऐसे ट्रेवल करती हुई चली गई सी डी में से, और अगर ऐसे चली गई तो ये जो एंगल बनेगा 100% वो क्या बनेगा, क्रिटिकल ही बनेगा। तो ये एंगल क्रिटिकल ही है। क्लियर है यहाँ तक? आता मेरे को दो ही स्टेप का काम है, एक रिफ्रैक्शन और एक यार। रिफ्रैक्शन की इक्वेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले रिफ्रैक्शन स्नेल लॉ लगाते हैं, कैसे? म्यू टू इंटू साइन अल्फा इक्वल टू म्यू वन इंटू साइन आर वन। क्या ये स्टेप क्लियर है? पहला स्नेल लॉ स्टार्ट कहीं से करोगे, रिफ्रैक्शन तो करोगे ही करोगे, तो स्नेल लॉ आपको निकालना क्या है, अल्फा मैक्स। तो एक काम करो, साइन अल्फा मैक्स क्या है, इसको म्यू टू से नीचे डिवाइड कर दें, तो अल्फा मैक्स निकाल लें, साइन इनवर्स ले लें, ये आंसर आ गया। प्रॉब्लम ये है, अगर थोड़ा मतलब बिना सॉल्व किए कुछ हिंट सा मारना है, पता लग ही रहा है कि ए ऑप्शन आने वाला है, साइन इनवर्स म्यू वन बाई म्यू टू इंटू कॉस ऑफ समथिंग। प्रॉब्लम है, आप रुक सकते हैं मार्क करते हुए, क्योंकि यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर क्या है, साइन है। कोई बात नहीं, साइन कॉस में कन्वर्ट 2 मिनट में होगा। कैसे? क्योंकि आर वन प्लस आर टू का सम क्या है, 90। तो R1 और R2 का सम अगर 90 है तो R1 की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस R2। पर क्योंकि मैंने क्या बताया, R2 तो क्रिटिकल होगा, तो तुम यहां पर R2 की जगह क्या पुट कर दो, C, R1 आ गया। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है, साइन C क्या होता है, 1 बाई म्यू, ये हमें पता है। जो साइन ऑफ C होता है, साइन ऑफ C क्या होता है, 1 बाई म्यू। अब म्यू पर लिखने का रूल क्या है, ये डेंसर और ये रेयर, तो C की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स। तो C की जगह पूरा साइन इनवर्स पुट कर दिया, देखो मैथ्स लगा दिया, ये पूरे का पूरा R1 आ गया। इस पूरे के पूरे R1 को यहां पुट कर दिया, तो जब यहां पे पुट किया ये आ गया, साइन ऑफ 90 माइनस समथिंग इज कॉस ऑफ यू एंगल, यहां से ऑप्शन मार्क होगा। मेडिकल में आए मतलब डाउट है मुझे, ये वाला पार्ट नहीं आएगा मेडिकल में, यहीं तक रोक लिया जाएगा। मैं नॉन मेडिकल में तो आया हुआ है, तो मेडिकल में यहीं तक सफिशियंट है मेरे ख्याल से, इतना साइन वर्स में नहीं आएगा। पर आइडिया समझ में आ रहा है कि कर क्या रहे हैं इसमें। इस टाइप की प्रॉब्लम हमने कर ली थी फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें नॉर्मल शिफ्ट था, क्वेश्चन वही पुराना, दो स्लैब्स हैं, ये क्वाइन है, क्वाइन आपको कितना नॉर्मली ऊपर दिखाई देगा, तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल शिफ्ट फर्स्ट स्लैब की और सेकेंड स्लैब की एड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट है, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड वाला भी क्वेश्चन किया था लास्ट असाइनमेंट में, इसकी जरूरत नहीं है करने की। फोर्थ क्वेश्चन रिपीट है, वही स्विमिंग पूल में से लाइट बाहर निकल रही है, ये होमवर्क नोट करो दोनों के दोनों, ये होमवर्क है। ये क्वेश्चन रिपीट है फिफ्थ, अभी अभी किया था सब्जेक्टिव शीट में, साइंस ही कैसे निकालना है, ये होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर सिक्स करना है, सिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ग्लास प्रिज्म है, दिख रहा है मुझे ये ग्लास का प्रिज्म है। इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है एंड वाटर में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, मतलब प्रिज्म डेंसर है, वाटर रेयरर है। अब एक लाइट है नॉर्मली गेरी जाती है, इसके ऊपर रे ऑफ लाइट नॉर्मली गेरी जाती है, नॉर्मली का मतलब यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगी, बिल्कुल सीधी ट्रेवल करेगी, ये बिल्कुल सीधी ट्रेवल कर गई। और कह रहे इट इज टोटली रिफ्लेक्टेड एट फेस एसी, एसी के ऊपर इसका टीआईआर हो गया, गिवन है, हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एसी के ऊपर इसका टीआईआर हुआ तो ये इसका अगर नॉर्मल है तो ये ना सी मत करो, ये थीटा करो, थीटा। तो आपका एंगल जो थीटा है, तुम्हें क्या पता ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना क्रिटिकल है भी कि नहीं, क्योंकि अगर प्रॉपर क्रिटिकल होता तो आपकी लाइट बिल्कुल साथ साथ ट्रेवल करती सरफेस के,
तो क्योंकि लाइट ऐसे जा रही है, टोटली रिफ्लेक्टेड हो रही है सरफेस के साथ, पता नहीं जा रही है कि नहीं जा रही है, और ऑप्शन भी कह रहे हैं इनइक्वालिटी है, तो आप ये बोलेंगे कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो पक्का क्रिटिकल से बड़ा ही रहा होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी की क्वेश्चन तभी बनती है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल से बड़ा है तो TIR है, नहीं तो नहीं है। और उसने क्योंकि बोला कि TIR है तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो थीटा बनेगा क्रिटिकल से बड़ा ही बनेगा। तो पहली कंडीशन क्लियर है, दोनों तरफ साइन लगा दो, अगर थीटा ग्रेटर देन सी है तो साइन थीटा ग्रेटर देन साइन सी है। साइन सी का फिजिक्स में फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, 1/μ होता है, म्यू में डेंसर और रेयरर, यहाँ पर ग्लास डेंसर है, वाटर रेयरर है, ब्रेक कर लो, वाटर अगर ऊपर है नीचे, वो ब्रेक करना मैंने सिखाया था, और आपको वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, ग्लास का पता है, सॉल्व कर लेना, साइन थीटा ग्रेटर देन 8/9 आंसर आ गया। तो इन इक्वालिटीज़ के अंदर जब भी इन इक्वालिटीज़ में ऑप्शन होगा, पहली कंडीशन ही ये बनेगी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल है, और दूसरी कंडीशन ये बनेगी, तीसरी यहाँ से शुरू होगी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो ये सिक्स क्वेश्चन है, सेवन्थ। देखो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर है, जो प्लेन मिरर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर सिखाया जाता है, लेकिन प्लेन मिरर की एक ही प्रॉपर्टी है जो इसमें यूज़ हो रही है और हर जगह एक ही यूज़ होती है। जो प्लेन मिरर्स हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से h डिस्टेंस पे है तो प्लेन मिरर इमेज जो बनाता है ऑपोजिट साइड पे बनाता है और एट अ डिस्टेंस ऑफ h बनाता है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है, ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। शुरू करते हैं, वो कह रहे हैं एक प्लेन मिरर है, ये रहा आपका प्लेन मिरर है, नीचे प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है पी एच हाइट पे किसी लिक्विड के अंदर, ठीक है जी, ये लिक्विड है मान गए, और एक कॉइन पड़ा हुआ है मान लो पी, या कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है पी। अब वो कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर ओ ऊपर है हवा में, ऑब्जर्वर बाहर है पानी में नहीं है, वो क्या देखना चाहता है, पी को और उसकी इमेज को देखना चाहता है, मतलब अगर ये पी है तो इसकी इमेज नीचे बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ एग्जैक्टली एच, क्योंकि मिरर की प्रॉपर्टी है ना, अगर उसने ऑब्जेक्ट एच डिस्टेंस पे देख लिया उसकी इमेज भी उसने एच पे ही बनानी है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये पानी है मान लो, तो इधर भी इमेज में क्या दिखाई देगा, पानी ही दिखाई देगा। देखो मिरर पानी तो कैसे गायब कर देगा, पानी भी तो इमेज में दिखेगा। तो एक बात पक्की है कि यहां से लेके इमेज तक, पी से लेके इमेज तक मीडियम वाटर ही है, हवा कैसे आएगी, क्योंकि ये भी पानी और नीचे भी इमेज भी पानी दिखेगा, तो दोनों मीडियम एग्जैक्टली सेम है, नहीं पानी गायब कर दें, नहीं ऐसा डायग्राम है ना, डायग्राम ऐसा है, ये देखो डायग्राम कुछ ऐसा है कि मान लो ये एक मिरर है, ये रहा मिरर, ये रहा मिरर, इमेजिन करो कि मिरर के ऊपर लिक्विड है, इमेज में भी ऐसा लिक्विड दिखेगा अगर ये मिरर है, ठीक है, इमेज में पानी दिखेगा, ठीक है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे है एट अ डिस्टेंस ऑफ h, तो इमेज भी यहीं पे दिखेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ h, और तुम्हें पानी में ही इमेज दिखेगी, भाई मिरर तो पानी को की इमेज बना देगा सेम, कोई डाउट इसमें? तो मीडियम चेंज नहीं हुआ, क्लियर है, मीडियम चेंज ही माना जाएगा, ये ना सोचना कि इसकी इमेज हवा में बन गई, ना पानी में ही बनी मानी जाएगी। अब ये बात बाहर से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, सब चीज़ें देख रहा है, आप एक काम करो तुम ना पानी में चले जाओ, पहले इमेजिन करो तुम पानी में खड़े हो, जब तक तुम पानी में खड़े हो मिरर भी पानी में, ऑब्जेक्ट भी पानी में, इमेज भी पानी में, तो तुम्हें ये डिस्टेंस कितना नजर आएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना नजर आएगा, 2h,
चेंज नहीं नजर आएगा। जब तुम पानी में हो फिर तो एग्जैक्ट डिस्टेंस ही नजर आएंगे तुम्हें पानी के, लेकिन अगर तुम बाहर हो ऑब्जर्वर एयर में है, अब तुम्हें 2H 2H नजर नहीं आएगा, तुम्हें थोड़ा कम नजर आएगा। जैसे क्वाइन आपको ऊपर नजर आता है तो आप क्या लगाएंगे, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, किया था हमने फॉर्मूला। अब रियल डेप्थ पानी के अंदर है कितनी, 2H, और ऑब्जर्वर कहां पर है, हवा में है, तो उसको क्या दिखेगी, एपरेंट डेप्थ। ऑप्शन मार्क कर लो, 2H/μ आंसर है। तुम कुछ ना करो, तुम पहले अपना क्वेश्चन पानी में जाके सॉल्व कर लो, सारा कुछ करने के बाद उसको एयर में लाने के लिए डिवाइड बाय म्यू कर दो, आंसर आ जाएगा। इससे अच्छा शॉर्टकट क्या है, तुम बाहर करो ही मत, पंगे ही मत लो, तुम बस कुछ मत करो, तुम पानी के अंदर डेप्थ निकाल दो, एयर में लाने के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाओ, एक मिनट में आंसर आएगा, कुछ करना ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसका, तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे लगा इसमें। जैसे तो इसका आंसर 2H/μ मार्क कर लेना। जैसे एट्थ क्वेश्चन है, लाइट टेक्स t1 सेकेंड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ x इन वैक्यूम। ठीक है, लाइट वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर रही है और उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया x इन टाइम t1, तो उसकी स्पीड क्या है वैक्यूम में, c। किसी और मीडियम में t2 टाइम लिया इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10x, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज v, तो c आ गया, v आ गया। क्रिटिकल एंगल निकालो इसका, क्रिटिकल एंगल होता क्या है, साइन सी क्या होता है, 1/μ, म्यू क्या होता है, सी बाई वी, रेसिप्रोकल लेके वी बाई सी, वी तुम्हें पता है, सी तुम्हें पता है, वी की जगह वी, सी की जगह सी, एक्स से एक्स कैंसल, साइन ऑफ सी डैश आ गया। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, साइन इनवर्स, ये ऑप्शन मार्क कर लेना आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका, कोई डाउट इसमें, तो कुछ भी नहीं करना, पहले तुम वैक्यूम में करो, फिर मीडियम में करो, सी निकालो, वी निकालो, अंडरस्टूड है यार, तुम्हें वी पता लग जाएगा, म्यू पता लगेगा, म्यू आ गया, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन किया हुआ है, रिपीट है।